स्ट आप स्वागत है अगर आप 2024 में सक्सेसफुल होना चाहते हैं अगर आप 2024 में अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अगर आप 2024 में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में उतरना चाहते हैं अगर आप दो में ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं देन दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू आज के हमारे गेस्ट हैं रोहित शर्मा हु इज़ सी ओ ओ ऑफ अ एडियोटेक कंपनी कॉल बिस गुरुकुल जिसकी वर्थ है मोर देन वन फिफ्टी करोर्स वो एक स्पीकर रह चुके हैं ही हैज़ ऑल्सो अपियरड इन जोश टॉक्स और वो भारत उद्योग रत्न के अवार्ड से भी नवाजे गए हैं फॉर द बेस्ट सी ओ ओ इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू पता है आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ओडिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमरस और एंटरटेनिंग भी है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी सो इन्जॉय द कॉन्वर्सेशन एंड प्लीज़ पुट योर यर प्लग्स टुगेदर फॉर अ वेरी पावफुल एपिसोड Welcome in Focus Focus. <laughs> Thank you so much. So, what's so the much. vibe of the day? Ki hal chal. हालचाल एकदम बढ़िया और वाइब मैजिकल है यार नाइस <laughs> सो <laughs> 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 so, uh, मैंने हालचाल इसलिए पूछा और पंजाबी में इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि मुझे बातों बातों में पता चला कि सर पंडित हैं मगर बाय हार्ट पंजाबी बाय हार्ट पंजाबी अमृतसर में इतना सारा, टाइम राइट बिल्कुल अमृतसर में स्टेट फॉर ऑलमोस्ट लाइक फाइव ईयर्स और उससे पहले दिल्ली उससे पहले hmm. फरीदकोट तो पंजाब hmm. में दो इंस्टॉलमेंट्स में रहा हूँ मैं टोटल मिला के इट्स बीन ओवर अ डेकेड तो पंजाब में रहा तो बाई हार्ट पंजाबी हूँ यार मतलब पंजाबी सॉन्ग हाँ। पंजाबी बोलना पंजाबी कॉमेडी मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ मेरा ड्रीम भी है कि यार कुछ छोटा भी रोल मिल जाना है किसी पंजाबी कॉमेडी हाँ। मूवी में तो बस मजा आ जाए सो आई एम रेडी टू एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ रोहित शर्मा क्योंकि मिस्टर हां uh, कि एक दूसरी साइड भी है व्हिच इज अ मूवी बफ एंड रिलेटेड टू अभी जो आपकी टाइमिंग ऑफ बिस गुरुकुल है वो इससे बेहतर मुझे लगता है बिस गुरुकुल की जो सक्सेस है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस कंपनी को मिली वो इसलिए मिली बिकॉज इट्स अबाउट टाइमिंग ऑफ द एक्शंस ट्रू ठीक है वो अगर पैंडमिक में नहीं रिलीज हुआ होता तो शायद इतना बड़ा ना बनता हाँ। और इतनी जल्दी ना बनता बड़ा बनता बड़ा, तो वो yes. बनता ही बट इतनी जल्दी जो एक्सपोनेशियल ग्रोथ मिली वो इसलिए मिली क्योंकि यू टाइम्ड द एक्शंस राइट और या, या ये कह लो कायनात ने तुम्हारे को हेल्प किया और तुमने एग्जैक्टली फेब्ररी में लॉन्च किया जब ऑनलाइन इंडस्ट्री टेक की एजुकेशन uh, की लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बिल्कुल तो कमिंग बैक टू ऑन दैट पार्ट के व्यूअर्स uh, के लिए देसी भाषा में लेम टर्म में एक्सप्लेन करो कि बिस गुरुकुल करता क्या है वॉट इज बिज गुरुकुलट डज इट डू तो बिज गुरुकुल ना लोगों को वो स्किल्स सिखाता है जिसको वो मोनिटाइज कर सकते हैं और डिजिटली ओके okay. जैसे okay. कि जैसे कि हमने आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया उसमें लेट से आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया वर्ड पे ठीक है okay. अब आपने सीख लिया एक कोर्स पढ़ा आपने कितना okay. आपने हफ्ते भर में कोर्स खत्म कर लिया होगा प्रैक्टिस कर ली होगी उसके बाद आप जाके वेबसाइट्स बना सकते हो दूसरे लोगों के लिए okay. बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि आज के टाइम पे हर कोई बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है और सबको वेबसाइट क्रिएटर्स चाहिए तो आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो उनसे पाँच हज़ार रुपये में भी आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो किसी के लिए आप अच्छा करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ कैन इट आप हमारे यहाँ से लोगों ने सीख के एजेंसीज खोली हैं तो मेरे को एक लड़के के डीएम आया था शुरू में तीन चार महीने ही हुए थे कुछ हमें उसके डीएम आया था कि सर को मेरे को मेरा पहला क्लाइंट लंडन से मिला मेरे को एंड ही मेड एट्टी आउट ऑफ वंडरफुल ऐसी तो स्टोरीज को सुन के मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि यार हमने जो इंटेंशन था हमने वो क्रिएट किया लोगों के लिए ना हम उसको बना पाए वो चीज डिलीवर कर पाए सो इट्स नेट टेक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों को स्किल्स सिखाते हो इफ यू वर टू नेम एनी फाइव स्किल्स स्किल्स एनीथिंग डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टेंट राइटिंग कॉपी पब्लिक स्पीकिंग वीडियो क्रिएशन ठीक है वीडियो मेकिंग मेरी कोर्स है ठीक है देन पी डी है इन टर्म्स ऑफ और हम अगर हम स्किल्स में जाएँ तो सोशल मीडिया के आप कोई भी ऐप उठा लो लाइक आप गूगल एड्स हम सिखाते हैं फेसबुक एड्स हम सिखाते हैं यूट्यूबिंग के ऊपर कोर्स है लिंक्डइन के ऊपर कोर्स है ठीक है देन फाइनेंस के ऊपर है स्टॉक मार्केट के ऊपर है कोर्स तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब तो एकदम से कितने बताऊं डेढ़ सौ कोर्सेज हैं ठीक है बट uh, <laughs> हमने ध्यान इसी चीज पे रखा है और ये भी, ये भी सिखाते हो कि इनको कैसे करना ये भी कौन से होंगे hmm. ना तो पहला नाम तो ऐसा है कि अब तो आग बंद करके हर कोई बोल रहे हो दैट इज ए आई एंड मशीन लर्निंग राइट थोड़ा टेक्निकल हो गया ठीक है सेकंड थिंग वुड बी डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स यू you नो know, क्योंकि डेटा सब कुछ डेटा ड्रिवन हो रहा है और आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस या कोई भी यू you नो know, आप काम कर रहे हो और आप उसमें डेटा पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप उतना स्किल नहीं कर सकते उसको जो नो you know, फिर वो नॉर्मल लाल बिजनेस वाली बात हो जाएगी लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं जी हमारा धंधा चल रहा है जी होके जी होली दिवाली बंद है जी <laughs> फेस्टिवल में चल रहा है ये नहीं होगा फिर आपका तो डेटा के ऊपर आपको काम करना चाहिए थर्ड थिंग यू नो वुड बी मार्केटिंग बट मार्केटिंग में ना अब एक कन्वेंशनल वे की जगह आप क्रिएटिव कितना हो सकते हो वो मैटर करता है ठीक है कि आप उसमें कितना ज़्यादा आप लोगों को समझ पा रहे हो और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप क्या चीज़ें मार्केट उसको कैसे कोई भी चीज़ जो आपका प्रोडक्ट आपको मार्केट करना है कैसे आप उसको कर पा रहे हो दैट मैटर्स एंड फॉर दैट रीज़न नेक्स्ट स्किल वुड बी सोशल मीडिया मार्केटिंग Hmm. You know, क्योंकि सब आप आज के टाइम पे डिजिटल नहीं जा रहे हो आप अपने बिजनेस को बहुत स्लो कर रहे हो आप रॉकेट की स्पीड पे आप जाना चाहते हो और आज के जमाने में आप बैलगाड़ी वाली चीज पे जा रहे हो जबकि आप वंदे भारत में जा सकते हो hmm. बहुत तेज सो so, ये वाला डिफरेंस आ जाता है अगर आप कॉन्टेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो

किसी को सच में बहुत पसंद है एंड hmm. uh, दूसरा चीज़ ये है कि uh, अब कंटेंट क्रिएशन आने वाले समय में बाय uh, फोर्स हो जाएगी hmm. अगर आपने नहीं की तो आप सस्टेन कर ही नहीं पाओगे आपका ये वाला जो पॉइंट है ना कि आप रॉकेट की स्पीड से आगे hmm. बढ़ सकते हो और मुझे लगता है कि अभी तो वो रॉकेट की स्पीड आपको दे रहा है hmm. अगर आपने नहीं अडॉप्ट करी तो आप डेड हो आने hmm. वाले समय में तो कंटेंट क्रिएशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ऑल्सो वेरी रिसेंटली निखिल कामत का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था उसमें uh, नास ने एक बात बोली थी नास ने एक बात बोली फ्रॉम नास्ैर नास yes, okay. नास <laughs> उसने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ये बात रिपीट करनी है बिकॉज दैट कॉन्वर्सेशन वॉज इन इंग्लिश कि कॉन्टेंट क्रिएशन आप करने से पहले ना आपको फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं mm -hmm. उनके सी को की बात सुननी चाहिए mm -hmm. वो आपको ऑलरेडी अभी बैठ कर uh, पाँच साल पहले बता रहे हैं कि आने क्या होने वाला है तो उसने जब स्टार्ट किया उस समय पर तो uh, छः साल पहले व्हेन ही वन ही वो फेसबुक उससे छः साल पहले उसने जकरब का एक इंटरव्यू सुना उसकी गाइडलाइंस पड़ी उसने बोला था कि दे विल बी नो पिटर्स एंड वीडियो इज गोइंग टू बी द ओनली गेम एंड वीडियो आने से पहले ही छः साल पहले उसे पता चल गया था कि वीडियो इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वीक थे एंड दैट इज़ बाई ही मेड थाउजेंड डेज कैंपेन और उसने वो लॉन्च किया वन मिनट वीडियो वाला एंड अब अगर हमें इफ एनी कॉन्टेंट क्रिएटर व टू स्टार्ट फ्रॉम 2023 ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ तो उसे यही करनी चाहिए सारे सी ई ओज़ को जा सुनना चाहिए तो जो इंस्टाग्राम का सी ई है वो कहता है कि आपको मेटावर्स इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग सो इफ़ यू कैन क्रिएट रील्स ऑन मेट आवर्स या फिर आप वो जो ए आई की रील्स चल hmm. रही हैं जो जो ह्यूमन नहीं बोल रहा है ए आई के फॉर्म में मॉडल्स right. बोल रही हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग एंड फेसबुक ने अलग बात कही है ट्विटर ने अलग बात कही है ट्विटर uh, uh, अपने आपकी रीच बढ़ाने के लिए वो कह रहा है कि अब आप फोटोज और वीडियोस पोस्ट करो तो आई थिंक दैट इज अ गुड वे व्हेन जो तभी मैंने तुझसे ये बात निकलवाई कि टेल मी द टॉप हॉट स्किल्स टू बी इन 2024 ट्वेंटी फोर समबड़ी हु इज विलिंग जो चाहता है कि 2024 में वो स्किल्स के थ्रू पैसे कमा सके आई थिंक दीज आर द फोर बेस्ट फोर और फाइव बेस्ट स्किल्स ट्रू 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 तो ये बात तो रही के ये बेस्ट स्किल्स पॉसिबल हैं फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बट हैविंग सेड दैट लोगों की एक इन्हीबिशन है रोहित वैन इट कम्स टू मेकिंग मनी ऑनलाइन मेकिंग मनी ऑन द इंटरनेट एज मच एज पीपल वॉन्ट टू नो कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं बताओ 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 hmm. और देर आर सो मेनी वेज़ इन विच यू कैन ऑन तूने पूरा एक्सप्लेन किया एट टेक uh, प्लेटफॉर्म को hmm. और इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस हैं वेज़ इन विच यू कैन मेक मनी ऑनलाइन बट स्टिल एनोबिशन रहती है hmm. और इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी क्यों नहीं अपनाते हैं लोग ये तरीके या फिर क्यों रह जाते हैं वाई दे आर नॉट एबल टू मेक मनी ऑनलाइन अगर हम स्टार्ट्स लें तो बहुत कम लोग होंगे जो ऑनलाइन एक्चुअल पैसा बना के फॉर्चून क्रिएट कर रहे होंगे आई एम श्योर ये भी स्टार्ट uh, नास ने अपने पॉडकास्ट में बोली थी कि कंटेंट क्रिएशन ढाई करोड़ हैं या बहुत सारे करोड़ हैं और उसमें से टू परसेंट हैं uh, जो पैसा कमाते हैं उन टू परसेंट में से सपोज उन टू परसेंट में से ट्वेंटी परसेंट क्रिएटर्स हैं आउट ऑफ हंड्रेड जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो

लोग कई सालों के बाद जाके तब वो एक, एक करोड़, करोड़ पर पहुंचते हैं और इनको क्या लगता है आज मैंने पंद्रह मिनट की वीडियो देख ली आज से मैं काम करना स्टार्ट करूंगा 2024 का 31 दिसंबर मैं एक करोड़ रुपए बैंक बैलेंस के साथ बनाऊंगा और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यू नो कि लोग सीखते हैं और उसके बाद उनको बस फटाफट 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 अर्न करना है भाई देखो सीधी सी बात है आज मैंने कुछ सीखा उस स्किल के बेसिस पे अभी जस्ट नया नया सीखा है मैंने मैंने अभी नई नई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है आप मुझसे पोस्ट बनवाओगे मेरा पोस्ट बेकार बनेगा एकदम मैं अच्छा डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा प्रैक्टिस नहीं की ना मैंने तो मेरे को उस स्किल को सीखना है उसको खुद प्रैक्टिस करना है फिर नए मतलब जैसे तैसे मुझे क्लाइंट्स मिले मैं उसमें और महारत हासिल करता जाऊं तो दिस प्रोसेस टेक्स टाइम राइट और वहीं पर लोकेशन लूज कर देते हैं क्लाइंट्स नहीं मिल रहे मेरे को क्यों आपका काम खराब है नंबर टू अब आपने काम अच्छा कर लिया आपको क्लाइंट तक पहुंचना ही नहीं आ रहा है आप खुद को मार्केट ही नहीं कर रहे हो आप उसका कंटेंट ही नहीं बना रहे हो आप डिजिटल स्पेस यूज ही नहीं कर रहे हो अब ऑनलाइन कमाना है ना तो ऑनलाइन में मतलब थोड़ी क्लाइंट मिल जाएंगे ऑनलाइन खुद को मार्केट करो लोगों को पता लगेगा तो आप तक आएंगे तो ये सबसे बड़ा रीजन है उसके अलावा कुछ सेकेंडरी रीजन है जिसमें सबसे पहले रीजन ये है कि लोग अपनी स्किल्स को लेकर क्रिएटिव नहीं हो रहे ठीक है एक चीज सीख ली तो मैं उसमें 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 रहता हूँ बस ये करना है जी मुझे ये करना है ट्रेगनन्सी टेगनेंसी जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे अलग अलग एंगल से आप उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं लाओगे नई चीज़ें करके नहीं देखोगे नई यू नो जो भी मार्केट में जो चल रहा है आप उससे कुछ डिफरेंट कुछ बेहतर देने की कोशिश नहीं करोगे लोग आपके पास क्यों आएंगे आप भी वही करो फिर लोग कहते हैं सर कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में बिल्कुल होगा कंपटीशन होगा क्योंकि आप भी कंपीट कर रहे हो उनके साथ आपने डिफरेंट क्या किया एक और सेकेंड रीज़न है लोग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अगर ए आ रहा है तो उससे डर रहे हैं ए को अपना दोस्त क्यों नहीं बना रहे आप अगर आप एक डिज़ाइनर हो उन टूल्स को यूज़ करो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो आप चैट जीपीटी से लिखवाओ आर्टिकल बट उसमें अपना फ्लेवर डाल के आप उसको ऐड करो ना तो तब तो फायदा निकल के आएगा उसमें वो आपका टाइम बचाएगा लेकिन अगर आप पूरे डिपेंडेंट हो गए चैट जी पी तो हर कोई कर लेगा वो तो तेरी क्या जरूरत है मैं खुद ही कर लेता तो हूँ अपने ऑफिस में बैठ के राइट तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बताऊँ पीपल डोंट नेटवर्क विद अदर पीपल कोलाबरेशन hmm, नहीं करते हैं बात नहीं करते हैं। मिलते नहीं है जाके डरते डरते फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे कमेंट नहीं करते उसके पोस्ट पे लाइक नहीं करते क्यों अरे वो देख लेगा अरे तो क्या हो गया तो आप उसके टच में रहो बिकॉज जितना ज्यादा आप अपना नेटवर्क ग्रो करोगे आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी उन लोगों से तो लोग इससे भी पीछे हटते हैं और ये अगेन सी

कंटेंट क्रिएशन में सब लोग उतरते हैं तो उसको हॉबी या साइड किक की, की तरह देखते हैं hmm. मुझे ऐसा लगता है जब कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि मैं आज एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ hmm. तो उसे बिजनेस की तरह ही बनाना चाहिए नंबर टू मुझे ऐसा लगा इट इज़ डेफिनेटली अ गेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स द मोर क्वान्टिटी यू प्रोड्यूस द मोर क्वालिटी इट गेट्स और रम जाते हो आप और uh, तीसरा पॉइंट क्या होगा इफ यू वर टू समराइज दिस होल थिंग कनेक्ट विद मोर पीपल कोलेबोरेशन कोलेबरेशन

इस टाइम में मैं बहुत रोजी वे में भी बता सकता हूँ कि यार नहीं ठीक है यार आपको ये करना है ये करना है ये करना है नहीं भाई जान हुँ. लगती है दम लगता है एडी चोटी का जोर लगता है कंटेंट क्रिएटर बनने में क्यों सबसे पहला आपको क्रिएट करना है कुछ एंड क्रिएशन टेक्स टाइम क्रिएशन टेक्स योर ब्रेन आपका टाइम मांगेगा वो मुझे कॉन्टेंट बनाना है मुझे उसके ऊपर एक अच्छा आइडिया सोचना है so टाइम इज द फर्स्ट एक्सपेक्ट राइट दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दैट इज टू स्टे कंसिस्टेंट और उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन एंड यू नीड टू शो अप फॉर दैट बहुत बेसिक चीज सिंपल सा वर्ड लेकिन सबसे टफ होता है दैट यू नीड टू शो अप यू नीड टू शो अप एंड रेगुलरली इफ नॉट एवरी डे बट रेगुलरली आपको उसको काम करना पड़ेगा आपको उस पर राइट तो जब आप टाइम दे रहे हो जब आप जो पेशेंस रख रहे हो ना तो उस टाइम पे जो असली जो टेस्ट होता है वो इसी चीज का होता है क्योंकि सिचुएशंस आपके अगेंस्ट होंगी चैलेंजेस आएंगे सब कुछ होगा बट आपको लगना पड़ेगा काम करना पड़ेगा अच्छा फिर जब आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे <laughs> एकदम से तो नहीं मिलेंगे एकदम से तो नहीं मिलेंगे और इसलिए मन हो गए नहीं मिलेंगे मतलब ये नहीं कि पूरे नहीं मिलेंगे बट आपको नहीं मिलेंगे शुरू में कुछ कुछ मिलेंगे

राइट हाँ, right? so, अब आ जाते तो इट्स लाइक इट्स लाइक मिला और तब जो उसने किया, natural, बनावटी रही थी एंड इट सख्त तो वो वाली चीज जो है वो फिर खराब हो जाती है तो यू नीड टू इनोवेट ब्रिंग न्यू फ्रेशनेस टू इट राइट बिकॉज अल्टीमेटली जो पूरे का पूरा गेम है दैट इज टू बी एज गुड विद द ऑडियंस इज पॉसिबल टू बी एज मे बी एंटरटेनिंग इफ यर एन एजुकेशन क्रिएटर तो आप कितनी अच्छी वैल्यू दे रहे हो सो so ऑडियंस hmm. वहाँ पर अपना टाइम और अटेंशन आपको दे रही है ना तो hmm. उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहिए यू कै नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड ठीक है मेरे तो ये चलता मैं तो हर बार इनको यही देता रहूँगा तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के आप अब ऑडियंस के हिसाब से आप ऑडियंस की सोच के कैसे खुद को और बेटर बना रहे हो कि मैं उनको अच्छे से अच्छी चीज़ दे पाऊँ तो अगर वो बोर हो गए तो आप खत्म खत्म है ना अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि वो तो बोर हो जाएंगे लेकिन आप भी बोर हो जाते हो वो चीज बना बना के एक्साइटमेंट नहीं रहती एक्साइटमेंट नहीं रहती तो इसके लिए आपको नए नए गोल्स नए नए एक्सपेरिमेंट्स कुछ ना कुछ आपको करते रहने पड़ेंगे उसके अंदर क्या ठीक है लाइक यू नो लाइक यू क्रिएट ट्रेवल कॉन्टेंट चलो टू राइट नाउ यूर टू पॉडकास्टिंग हैव मैजिक एज वेल लेकिन क्योंकि अब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अलग अलग वे में हु नोज कुछ दिन के बाद तुम्हें लगे ये वाली चीज मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ तो ऑडियंस को तो बाद में मजा आएगा पहले तुम्हें आएगा और अगर तुम्हें मजा आ रहा है वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी और वो चीज फिर ऑडियंस को देखेगी तो मुझे बात करना पसंद है मुझे आंसर्स करना पसंद है मुझे भी राइट right? तो ये एनर्जी दिखती है पॉडकास्ट में लोगों को पसंद आता है अगर इसकी जगह फिर एकदम मैं भी बोरिंग तरीके से बात करूँ हाँ नहीं कॉन्टेंट क्रिएशन और मैं टेक्निकल बातों में आ जाऊँ आपसे इतना परसेंट ये इतना परसेंट ऐसा और इकोनॉमी और इकोनॉमी और क्रिएटर इकोनॉमी दिस एंड दैट तो यू माइट गेट बोल और ऑडियंस बोल हो जाएगी बेकार फ्लॉप मेरे एपिसोड रिव्यूज़ नहीं आएंगे फिर यू नो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना पड़ेगा यार ये यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आप बोरिंग नहीं हो सकते और अगर आपका कंटेंट काम नहीं कर रहा है आप बोरिंग हो बोरिंग हो आप चार लोगों को अपना कंटेंट दिखाओ देखो फीडबैक क्या मिलता है अपने नॉन वंस को दिखा लो क्योंकि वो सबसे हार्श फीडबैक देते हैं ये क्या कर रहा है ये कैसा लग रहा था तो इसमें एंड इफ नॉट अगर खुद समझदारी से बैठ सकते हो ऑनेस्ट हो खुद के साथ तो खुद अपना कॉन्टेंट देखो कोई और क्रिएटर मान लो खुद को और फिर देखो अगर आपको मन करेगा उसको देख के तो ठीक है गुड पोस्ट कर दो नहीं कर रहा है रुक जाओ और इसी में लोग रुकते हैं क्योंकि वो परफेक्ट होने का वेट करते हैं यही प्यारी थी मैं इस समवेयर आई डोंट अग्री तो बोला कि नहीं अच्छी लग रही है मत हाँ। अपलोड करो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स आज बने हैं द कंटेंट क्रिएटर्स वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने तब भी वो वीडियो डाली जब वेर दे वस दे

तो मैं कहता हूं कि करो पर मैं अभी क्यों कह रहा हूं कि कैसा क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि वो कंटेंट कैसा भी रैंडम जा रहा है ना मतलब बहुत ही अच्छा, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी उतने स्किल्ड नहीं हो तो आप मत डालो मैं वो इसलिए मैंने बोला परफेक्शनिज्म का वेट मत करो कि मैं अच्छा हो जाऊंगा लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ये तो बस मैंने ऐसे ही चलते उसमें बना दिया है क्योंकि मेरे को कॉन्टेंट बनाना था इट वर्क

आपको पता होना चाहिए कि बहुत बर्नआउट होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस कंसिस्टेंसी एक्सपेरिमेंट्स हार्ड वर्क एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी में हार्ड वर्क आ जाता yeah. है पेशेंस कंसिस्टेंसी एक्सपेरिमेंट्स एंड जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जब क्वान्टिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है फिर आपको क्वालिटी भी प्रोड्यूस करनी होती है इट रिजल्ट ठीक है एंड आउट बहुत आई एम आई श्योर मैं तो उस स्टेज पे नहीं पहुंची अभी बट जो लोग पहुंच गए हैं वो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं बर्नआउट तो एक बहुत अच्छी टिप दी थी रणवीर ने अपने पॉडकास्ट में उसने कहा कि अगर आपको कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है और आप श्योर नहीं हो कि वर्क करेगा या नहीं सपोज़ यू आर अपलोडिंग ए टाइप ऑफ कॉन्टेंट एंड यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस बी टाइप ऑफ कॉन्टेंट देन वॉट यू डू इज़ यू कीप अपलोडिंग ए आप बी को थोड़ा सा हफ्ते में एक बार डाल दो एंड देन यू बी को दोबारा से डाल दो right. दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में देन वॉट यू डू इज यू अपलोड द फ्रीकवेंसी ऑफ बी एंड देन यू मिनिमाइज द फ्रीकवेंसी ऑफ ए दिस वे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो चल ही रहा था वट वॉज़ वर्किंग मैंने जो नया एक्सपेरिमेंट किया इस पर कैसा रिएक्शन आ रहा है hmm. अगर नहीं आया देन यू टेक दैट बी डाउन और आ गया तो देन यू इंक्रीज द बी अप एंड दूसरा और जो लोग uh, सिर्फ कॉन्टेंट क्रिएशन में उतरे हैं और uh, अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पाते या कर लेते हैं या अब तो इजी भी mm. है कंटेंट क्रिएशन में उतरना अब तो माँ बाप बना रहे माँ बाप भी <laughs> बना रहे हैं और खुद भी कंज्यूम कर mm. रहे हैं बट स्टिल आई थिंक सोसाइटल प्रेशर का पार्ट हो जाते हैं Haan. लोग आपको देख कर आपकी इनिशियल फेज ऑफ जर्नी में जज करते हैं डाउटफुल mm. रहते हैं तो वट्स द बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दैट इज टू इट और व्हाट यू कैन नॉट योर फैमिली एंड पेरेंट्स not parents but the the entire societal pressure how do you deal with that what's the best way of dealing see when it comes to society, इग्नोर करो क्योंकि वो तो आप कुछ भी कर लो कुछ अलग ही बोलेंगे वो थी ना वो कुमार और गधा और वो एक दो जा रहे थे बच्चा और बाप जा रहे थे गधे को लेके हाँ. है ना तो उन्होंने देखा देखो गधा चल रहा है वो वाली स्टोरी हुँ. तो वो तो हमेशा रहेगा आप कुछ भी कर लो आप अच्छा करोगे तो भी होगा नहीं करोगे तो भी होगा सब कुछ होगा आप घर पे बैठ जाओगे तो भी होगा वो तो बेटर टू क्वेश्चन हाउ डू यू कीप योर पेरेंट्स इन दिस प्रोसेस पेरेंट्स को ना कॉन्फिडेंस में लेना होता है और hmm. वो बातों से नहीं आता है <laughs> ना और बच्चे गलती क्या करते हैं कि बातों से ही करते हैं है ना पापा देखो आज मेरे इतने व्यूज हो गए अब तो देखो मैंने इसे ऐसा कर लूंगा मैं इसको वैसा कर लूंगा या कुछ भी और काम कर रहे हैं तो देखो छोटे से कुछ अचीवमेंट आया तो बस अब उसके बाद बड़ी बड़ी पहाड़ बना देते हैं उतनी सारी चीजें पेरेंट्स को अपना है बिल्डअप कर देते हैं, है, हैं पेरेंट्स को दिखा देते हैं देखो जब ये हो जाएगा इट डजन वर्क दैट वे एक्चुअली बिकॉज सी अब मैं इसको इस वे में भी बोल सकता हूं कि मानो चाहे आप ना मानो बट उन्होंने दुनिया देखी है ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि उनके अपने बिलीव्स हैं क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें अलग अलग वे में होती हुई देखी हैं तो आप कुछ भी नया कर रहे हो तो वो एकदम से उनके साथ कॉन्ट्राइडिक करेगा उनके बिलीव्स के साथ एकदम क्लैश करेगा वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा और उस वजह से वो आपके साथ अलाइन नहीं हो पाते तो करना क्या चाहिए सबसे पहले कुछ भी आप कर रहे हो आप सबसे पहले उसको अच्छे से सीखना स्टार्ट करो और उसको करते रहो थोड़ा 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 करके पेरेंट्स से जो उन्होंने आपके लिए एक यू नो तरीका को सोचा हुआ है एकदम से मत कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओ स्मार्ट विथ दैट राइट के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो hmm. तो पढ़ाई करो नहीं hmm. उसके साथ साथ अब वही ये हार्डवर्क है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको उस टाइम फ्रेंड्स के साथ टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मैंने कॉलेज में रहते रहते सब कुछ किया था क्यों मैं नहीं जाता था फ्रेंड्स की पार्टीज में मैं नहीं जाता था उस टाइम मूवीज देखने के लिए नहीं। मैं नहीं जाता था फैमिली फंक्शंस में नहीं। मैं नहीं जाता था क्यों मुझे पता था कॉलेज वाला टाइम इज कॉलेज वो मेरे को कंप्लीट करना है ताकि पेरेंट्स अलाइंड रह सके मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम फिर इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर से बट मेरे साथ पेरेंट्स के लिए करना था एंड सेकंड जो बाकी टाइम था मुझे पता था यही टाइम में बेटा मे को ब्रेक यही तीन साल है इसी में जो कर जाएगा तो तू तो कर जाएगा और लोग बच्चे यही गलती करते हैं यंगस्टर्स जो होते हैं राइट तो जो आप कर रहे हो वो करो उसको एकदम से मत छोड़ो उसको मैनेज करो तो पुरानी कहावत है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है हाँ। नहीं कहावत कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है मैनेज करो और जो अपना बेकार आप टाइम कर रहे थे उस वेस्ट टाइम को आप यूटिलाइज करो ये बहुत प्यारा आंसर दिया तुमने क्योंकि मैं मैं भी यही सोच रही थी कि आई आई टू डू बैक देन इन कॉलेज और मुझे किसी ट्रिप पे जाना होता था आई नो के लड़की हूँ मैं और जितना भी मैं शोज कर लूँ जितना भी मैं बाहर घूम लूँ जब मैं बोलूँगी कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है कोई ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो कॉन्फ्लिक ही आएगा सो वट आई यूज़ टू डू कि मुझे पता है कि मुझे अगले तीन महीने में जाना है या चार महीने में जाना है तो मैं उसकी बात अभी से करना शुरू कर देती थी ठीक है बिल्डअप तीन महीने पहले चल रहा है एंड देन उनका माइंड मेकअप कराना पहले चल रहा है right. फिर उन्हें ग्रुप से मिलवाना चल रहा है कि ये जाएंगे hmm. को पता है ये भी मेघालय टूर जाता है hmm. ये ट्रैक्स पे जाते हैं सब कुछ सेफ होता hmm. है ऐसे hmm. तो वो मुझे तीन चार महीने का प्रोसेस लगता था बिल्डअप करने में hmm. कॉन्फिडेंस में लेने में बट आई डिड द सेम थिंग बातों से ना hmm. वो एक अलग स्ट्रैटेजी थी कि ऑब्वियसली मैं ट्रैवल करके नहीं दिखा सकती थी बट दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू यू थैंक तो ये सब्जेक्टिव चीज है बिल्कुल सही बोला के यू you नो know, उनको और मैं भी लोगों को ये वाली चीज बोलता हूं यार आप पेरेंट्स को ना इस जर्नी का पार्ट बनाओ तो बच्चे क्या करते हैं केवल अपने जब स्ट्रगल आएगा तब पेरेंट्स के पास चले जाते हैं जब आप कुछ कर रहे हो नया सीख रहे हो छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिल रही है उनको बताओ आपने कुछ नया सीखा आज की क्लास में आपने क्या सीखा आप जाके पेरेंट्स को बताओ लोग सोचते हैं उनको क्या समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है अरे बैठ के बताओ कि तू उनको समझ में आ जाएगा भाई आपको कुछ नहीं आता तो उन्होंने सिखाया है ना बचपन से इतना सब कुछ तो उनको आ जाएगा आप उनको अंडरस्टिमेट कर रहे हो गलत कर रहे हो बैठो उनके साथ कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना उनको बस अच्छा लगेगा मेरा बच्चा मेरे पास बात के बात कर रहा है इन सब चीजों के चक्कर में हम फैमिली का टाइम भी नो सेफाइस कर ही रहे होते हैं तो पंद्रह मिनट बैठ लो उनके साथ पांच मिनट बैठ लो उनके साथ बट तो उनको रोज का कुछ ना कुछ अपडेट देते रहो उनको अच्छा लगेगा अच्छा ये अपना टाइम दे रहा है तो कुछ अच्छा कर रहा है पेरेंट्स यही चाहते हैं मेरा बेटा सही जगह टाइम दे और अच्छी संगत में रहे अगर आप कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हो तो उनके बारे में बताओ उनको कि अच्छे लोग हैं या बढ़िया हैं जो भी ऑब्वियसली बेकारों के साथ तो मत ही टाइम बिताओ फिर है ना तो आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताओ और ये बहुत क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स पहचान लेते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड दोस्त पेरेंट्स पहचान पे लेते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स सही सही कह रहे हो बिल्कुल तो वो वो एक सेंस है कि माओ और पेरेंट्स को पता लग जाता है कि ये टिकने वाला नहीं है एक्जैक्टली exactly. तो ये वाली चीज है यार आपके पेरेंट्स एक्सपीरियंस उन्होंने दुनिया देखी उनके उस एक्सपीरियंस का यूज करो ना जो काम की चीज है यूज करो जो चीज आपके अगेंस्ट जा रही है उनको फिर मैनेज करो इस तरीके से उनको लाइन रखो अचीवमेंट आ रही है बताओ उसके बारे में स्ट्रगल्स के बारे में मत मत बताओ बताओ फेलियर्स के बारे में मत उ, क्योंकि प्रोटेक्टिव एटीट्यूड है आपकी तरफ वो आपको फिर रोकेंगे उस काम को करने से लेकिन मेरा स्ट्रगल कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों बताना मैं नहीं बताता था मेरे चैलेंजेस नहीं बताता कितना परेशान चल रहा था कुछ नहीं बताता था मैं लेकिन उनको अचीवमेंट जब भी होती तो सब बताता था पापा देखो आज यहाँ पे बुलाया मुझे आज मेरी इस शहर में वर्कशॉप है आज मुझे यहाँ इन्विटेशन मिला है आज मेरी वर्कशॉप में इतने लोग थे उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया

वैन आई गॉट दी अपर्चुनिटी टू ट्रैवल टू डिफरेंट places hmm. मैंने ये सबको बोलती हूँ कि 2019 हज़ार उन्नीस मेरी लाइफ का सबसे धमाकेदार ईयर hmm. था um, बारह मंथ में बारह कंट्रीज एंड wow. लाइक like, कितनी फॉर्चुनेट ईर wow. मैं फॉर्चुनेट इसलिए कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को इतना सारा घूमने को नहीं मिलता है बट बिकॉज ऑफ द स्किल एंड बिकॉज ऑफ द मैजिक शोज़ की वजह से इतना घूमने को मिला अपने पैसे नहीं लगे क्लाइंट के पैसों पे घूमे एंड घूमने को भी मिला शो भी करने को मिला पैसा भी कमाने को मिला सो इन दैट वे फॉर्चुनेट एंड उसकी वजह से कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत हुई इवन आई स्टार्टड ट्रैवलिंग चलो मैंने फ़ोन पकड़ के शुरू कर दिया फिर लेपल माइक लगाया फिर देन आई रियलाइज ओके दिस इज़ समथिंग आई एम रियली इंटरेस्टेड इन और ये बड़ा भी बन सकता hmm. है फिर मैंने कैमरा लिया और इसे ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर दिया ओके तो ट्रैवल वहाँ से शुरू हुआ बट हाँ मैजिक इन ट्रैवल बट uh, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक एक चीज़ बोलनी है जो मुझे बहुत ज़्यादा देर बाद समझ आई वन ऑफ माय मिस्टेक्स और वो मुझे uh, शहद गाड़ा करके बोलनी है okay. वो ये कि व्हेन यू एंटर इनटू कंटेंट क्रिएशन प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू आर इन द बिज़नेस ऑफ थ्री थिंग्स इधर प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल बाई टीचिंग समथिंग either provide value to people by making them laugh or entertaining them in some or the other way correct and provide value by motivating them hmm. providing hope hmm ठीक है करेक्ट तो जब uh, मैंने travel करना शुरू किया तब तो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी थ्रू आइटिनरीज एंड स्टफ ठीक है एंड मैं व्लॉग भी कर रही थी मेरे शोस ऐसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं बट व्हाई विल पीपल बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग इन इन माय लाइफ अंटिल अनन आई एम नॉट अ बिग नेम hmm वो मेरी मिस्टेक थी द देन आई चेंज द स्टाइल ऑफ द ब्लॉग्स कि अच्छा इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा एंड देन जब मेरी ये हेल्थ का फेज़ हो गया तब भी मुझे कॉन्टेंट क्रिएशन नहीं छोड़नी थी देन आई थाट मैंने गूगल किया कि uh, मेरी जो कंडीशन है अगर मैं गूगल करूँ अगर मेरी सर्जरी हो रही है होने वाली है तो ये मुझे कोई कंटेंट नहीं मिला जो मुझे बता पाए कि सर्जरी में कैसा होता है सर्जरी के बाद क्या होगा और hmm. जो जो मैं गो थ्रू कर रही हूँ वो मुझे कहीं नहीं मिला देन आई थॉट कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो मैं एक व्लॉग बनाती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस था ये ऐसा हो सकता है ये आपकी वार्निंग्स हैं अगर okay. आप इस सर्जरी के लिए जाते हो तो एंड दैट वीडियो ब्लू अप ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट फिफ्टीन के इन फिफ्टीन के ट्वेंटी के व्यूज़ क्योंकि वो वैल्यू एडिंग इंटेंशन से बनाई गई थी hmm. कि अच्छा ये मेरे को इससे क्या सिंपति गेन करनी है मुझे सिर्फ इंटरनेट पे छोड़नी है ये वीडियो डाल के कि अगर किसी के साथ हो रहा होगा सेम थिंग तो उसे हेल्प मिल जाएगी एंड देन इट द कम्युनिटी स्टार्टेड बिल्डिंग अप एंड पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग हमारे साथ भी हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है देन दैट वॉज द पॉइंट तो मेरी लर्निंग थी वो कि मोटिवेट टीच और एंटरटेन Hmm. इसके तीनों के इलावा और ज hmm. बात है, है, hmm. uh, है, hmm. तो hmm. है वैसे, फिर आते हैं, वैसे आप कंटेंट बनाते हो सो वही लोग बहुत hmm. आगे जा रहे हैं जो प्रॉपरली ऑडियंस को माइंड में रखते है वो उनके लिए एक्चुअली hmm. किसी न किसी फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं अपने फ्लेवर में और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जो मैं अगला पॉइंट बोलने वाला था बिल्कुल ठीक बोला ये वर्ड नहीं था मेरे दिमाग में वर्ड एकदम सही बोला कि अपना फ्लेवर ऐड करना उसमें बहुत बिकॉज यू नीड टू बी ऑथेंटिक तुम्हारा वो वीडियो क्यों इसलिए इतना ऊपर गया बिकॉज यू वर ऑथेंटिक तुम फेक नहीं कर रहे थे कि या, या मतलब नॉट फेक मेरा मतलब ये कि तुम व्लॉग बनाते टाइम ये नहीं कहते मुझे व्लॉग के इंटेंशन से बनाना है कि देखो जी प्लास्टर चढ़ गया नो ना यू वर लाइक यार ये प्रॉब्लम होती है और ऐसा ऐसा होता है तुम नेचुरल जैसे हो वैसे ही बात की होगी उस वीडियो के अंदर और यही लोगों के साथ कनेक्ट कर गया Hmm. You know, to it's best to stay natural, अपना hmm. उसमें add करो. It works. Like for me, content के अंदर होना चाहिए. पता नहीं uh, मेरी ऑडियंस आपको फॉलो करती है नहीं करती बट नहीं करती तो आई एम रियली फैन ऑफ योर कॉन्टेंट पता इतना natural है इतना नेचुरल है इतना रिलेटेबल है एंड मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट यूनिक पार्ट अबाउट इसके ह्यूमरस है ठीक hmm. है तो आई वज रिसर्चिंग फॉर योर कॉन्टेंट तो मैंने तेरा पेज खोला एंड उस पर मोटिवेशन uh, तेरा पेज का कवर था एंड उस पर लिखा हुआ था हंड्रेड परसेंट ह्यूमर गारंटी सला किया मैन टोटली एंड मेरे को एक एग्जाम्पल आप ही का देना है okay. वो ये है कि जब वन आई वॉज़ लुकिंग एट योर प्रोफाइल आपकी रील्स इतनी सिंपल होती है ठीक hmm. है बट अगर कोई ऋषिकेश गया है अगर hmm. कोई कहीं भी गया है आपने कहीं की भी डेली लाइफ की रील्स hmm. डाली हुई हैं hmm. उसमें आपने पॉइंटर्स hmm. बनाए हुए हैं मोटिवेशन कॉन्टेंट इन अूमरस वे योर प्रोफाइल लुक्स वेरी डायनमिक इट हैज़ अ टेंट ऑफ ह्यूमर इन इट एंड थिएटर एंड द शुक्ला जी योर कैरेक्टर सो टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि ये एक तो रोहित है बिजनेस पर्सनालिटी ठीक है हु इज टीचिंग ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स एंड एक रोहित है हु इज मूवी बफ एंड इज इन टू थिएटर एंड हुज दिस एग्जैक्टली ऑपोजिट परसोना तो वो क्या है कहाँ से आ रहा है वो आ रहा है कि बचपन से आ रहा है वो क्योंकि बचपन से मुझे कुछ ना कुछ परफॉर्म करना अच्छा लगता था

कोई नहीं, नहीं। जाता बोर हो हर कोई चाहता फन हो लेकिन ये मेरा वाला तरीका है कि मैं मेरा जो पोटेंशियल है ना वो बेस्ट से बेस्ट निकल के आना चाहिए बाहर इसलिए इसलिए मैंने बीच में में थिएटर थिएटर वर्कशॉप भी भी किया किया वहाँ पे दो प्लेस किए देन और कंटेंट मैं जब थिएटर से पहले भी मेरे को एक्टिंग करना बहुत पसंद आता था मिमिक्री वगैरह हो गया नॉट दैट वे बट काइंड ऑफ डबिंग आप कह सकते हो ठीक है तो वो कुछ चीजें फिर मैंने उसके अंदर डालना शुरू किया कि मैंने सोचा यार कि कोई नॉलेज वाली बात क्यों हमें सीरियस होकर बतानी है है ना जो मैं जो मैं nice. हूं मैं खुद कैसे रहूं क्योंकि हुँ. मैं अगर सीरियस कॉन्टेंट बनाता तो मैं बोर हो जाता हूं जो मैंने भी, भी बोला कि मैं बोर हो जाऊंगा तो ऑडियंस बोर हो जाएगी हुँ. तो मुझे वो करना है जिसमें मुझे मजा आए हुँ. और इस चीज में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ खुद को डॉक्यूमेंट कर सकू यू नो जैसे नोट जाके वो वीडियो दैट वॉज मी पोस्टिंग क्लिप लेते हैं ऐसी बिल्कुल मजा नहीं आता उसमें बट मैंने उसको करना स्टार्ट किया अभी मैं और भी क्रिएटर्स को देखता हूँ तो आई रिसर्च हो

और वो भी कुछ नया देखना चाहते हैं अब वो भी बार बार देख चुके हैं बंदा कैमरे पे आ रहा है अच्छा लाइफ में आगे बढ़ना है ये कर लो ये कर लो ये कर लो उसकी जगह आराम से चल रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ना है ये कर लो ये कर लो मैं चाय बना रही हूँ मैं चावल बना रही हूँ पोहा बना रही हूँ आप देखो खत्म बंदा देखा अरे यार ऐसे भी कुछ होता है क्या क्यों क्योंकि वो लोगों को उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने का मौका दे रहा है

सो यू नो ये एक जो मेरा जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि यार मुझे वो लाइफ को जीना है और किसी एक चीज के चक्कर में मैं दूसरी चीज मिस आउट नहीं करना चाहता तो मैं इसलिए दोनों को मिक्स कर देता हूँ एंड ऑन दिस पार्ट आई वॉन्ट टू यू नो आस्क यू भाई

एंड स्टार्ट विद वॉट यू हैवे ठीक है शायद ये सारे पॉइंट्स मेरे ही मिस्टेक्स या मेरी कुछ लर्निंग्स में से निकल के आ रहे होंगे स्टार्ट अर्ली ये कि हम ना सोचते रह जाते हैं कि वेन वी विल बी प्रिपेयर्ड ठीक है एंड आई थिंक द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अ हैड इज़ गेटिंग स्टार्टेड एंड द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अ हैड इज़ अ started bef uh, start before you get ready actually okay so it's not about putting the best foot forward it's about putting the first step forward as early as possible yes okay. as early as possible and start with what you have okay ठीक है आप तो सबके पास फोन का एक्सेस है हम्म hmm. और अब सब स्टार्ट कर सकते हैं और सबने स्टार्ट कर भी दिया yeah, है बट okay. अगर जो वो एक इनहिबिशन रहती है उसको खत्म कर सकते हैं जितना जल्दी स्टार्ट विद स्टार्ट uh, as early as possible hmm. number one number two would be uh, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ नंबर टू पे क्योंकि जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं वो दूसरों को देख के बन रहे हैं सो डोंट कंपेयर योर फर्स्ट वीडियो इज हंड्रेड वीडियो परफेक्ट ठीक है ठीक hmm. है बलबॉन मोमेंट है ये के, आ, तब जब कंटेंट क्रिएटर बने थे तब तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गए hmm. अभी जितने भी लोग बन रहे हैं एक दूसरे को देखा देखी बन रहे तो हम जब कंपेयर करते हैं ना ये मैं अपनी बात बुला बता लूँ जब मैं इसका सेट क्रिएट कर रही थी तो मुझे भी सेट क्रिएट करते वक्त लगा यार ये तो एकदम धमाकेदार सेट नहीं है ठीक hmm. है बट हाउ कैन आई कंपेयर माय फर्स्ट वीडियो का सेट विद somebody's स्टूडियो सेटअप स्टूडियो सेटअप है ना देन आई वेंट डाउन एंड आई कि इनकी फर्स्ट वीडियो कैसी दिखती थी एंड आई गॉट द कॉन्फिडेंस लाइक मेरी बहुत अच्छी दिख रही है मैं बहुत अच्छा बोल रही हूं नहीं सब चलेगा ठीक है सो कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय एंड इट टेक्स अवे योर ऑथेंटिसिटी इट टेक्स अवे योर कॉन्फिडेंस तो कंपेयर नहीं करना है जस्ट स्टार्ट नंबर 3 वुड बी प्लान इन एडवांस जैसे कि ये मेरी एक गलती थी कि मैंने स्टार्ट किया मेरा कंटेंट भी अच्छा जा रहा था मेरे को एंगेजमेंट भी मिल रही थी बट एक दो चार पांच वीडियो डली उसके बाद फुस ठीक है तो मुझे बहुत बाद में जाके रियलाइजेशन हुई दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्टेंट कैलेंडर इफ़ यू आर अ

इंस्टाग्राम टू मंथस काम के लिए तो फिर टॉपिकल और ट्रेंडिंग रहना पड़ता है उसके लिए तो ऑब्वियसली अपडेटेड रहना पड़ता हाँ, हाँ. है बट हाउ डू यू सजेस्ट इंस्टाग्राम के लिए कितना बैकअप होना चाहिए टू वीक्स हाँ फिर और बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम पे एक्चुअली आपको ये ऑडियोज मिलती है ट्रेंडिंग ऑडियोज आई एम सेंगे अगर आपने बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का कोर्स नहीं किया है तो है? वो जाके कर सकते कैसे? हो इंस्टाग्राम पे आप ये कोर्स कम्प्लीट करोगे हुँ. तो आपकी ई मेल आई डी पे एवरी वीक आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज मिल right. जाते हैं बिफोर हैंड hmm. लाइक अगले नेक्स्ट वीक की ये ट्रेंड होने वाली है तो आपके पास है आप इन पे बना कर, कर सकते हो तो दैट्स वन स्ट्रेटेजी एंड द लास्ट वन परफेक्शन आई perfection ये भी मेरी लर्निंग रही hmm. है uh, वो ये कि यहीं पे आते हैं कि मेरे को कंसिस्टेंटली पोस्ट तो करना है मगर मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा है या फिर मुझे लग रहा है बेहतर कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ें एडिट और बेहतर हो सकता है वो तो होता ही रहेगा इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो वो अवॉइड करके जो बनाए ना आ, एज, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है अगर आपने एक हफ़्ते में एक स्केड्यूल डाला है तो उसमें जितना बेस्ट कर सकते हो कर दो उसके बाद जो एंड रिजल्ट आ गया ना फिर नहीं सोचना है कि करें या नहीं करें करना ही है तो दैट

बोला यार रोहित घटिया लिखो <laughs> मैंने बोला ऐसे कैसे तो अच्छी स्टोरी लिखनी है घटिया तो लिखो कोई दिक्कत नहीं घटिया लिखोगे तो अच्छे पे आएगी क्योंकि हम लोग किसके पीछे भागते हैं अच्छा लिखना अच्छा लिखना और घटिया से दूर भागते हैं एंड यू रेजिस्ट विल नाइस राइट तो उन्होंने बोला घटिया लिखो आप घटिया लिखने की कोशिश करोगे आप नहीं लिख पाओगे पहली बात तो क्यों क्योंकि आपको पता है घटिया कुछ नहीं होता है सिर्फ हमारा माइंड है यार ये वाला बेकार होगा कुछ नहीं पता नहीं। आपका घटिया वर्क आपकी घटिया लाइन किसके लिए काम कर जाए लुकिंग लाइक अ भाई साहब ट्रेंड बन गए इतना बड़ा क्या लाइन ही तो है तो एनी थिंग गुड वर्क बट करो तो सही या। तो एक मैम का आया था तो कोई इंग्लिश की टीचर उनकी रील आई थी लुकिंग लाइक ये ये गलत है वो गलत है हाँ। ग्रामेटिकली पोस्टमार्टम कर पोस्ट दिया उन्होंने हाँ। क्या फर्क पड़ता है कंटेंट निकाल निकाल लिया लिया घटिया मैंने जगह से बिजनेस कोचिंग ली बी है घटिया ये टाइटल डाल दे, देना थंबनेल पे डाल दे तो ये मैं एक जगह से कोचिंग ली उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया एस एस जी तो ये बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है स्टार्ट सिंपल घटिया मतलब स्टार्ट करो एंड कीप इट सिंपल ठीक है एंड घटिया घटिया लॉन्च करो कोई दिक्कत की बात नहीं है

हाँ तो एक और बात करनी है कि हमने बात कर ली कंटेंट क्रिएशन एज अ होल कंटेंट क्रिएशन अब एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है जो कि एंड फॉर्मेट में आ गया है जैसे कि यू आर अ लॉयर एंड अ कंटेंट क्रिएटर यू आर अ सी एंड अ कंटेंट क्रिएटर यू आर अ डांसर एंड अ कंटेंट क्रिएटर अब uh, जो प्रोफेशन हम नहीं सोच सकते थे वो भी कॉन्टेंट क्रिएशन में आ गए करेक्ट ठीक है तो मगर कुछ ऐसे प्रोफेशन अभी भी बचे हैं Uh, जो या तो इनिबिशन हैं उन्हें या तो मुझे ख़ुद नहीं पता है कि वो कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं तो आई वुड वांट यू टू ब्रेन स्ट्रॉन्ग ऑन दैट जैसे कि अगर मेरा जैनी दोस्त है तो उनके इलायची का बिज़नेस है ठीक अच्छा. है छोटी सी इलायची अब ये बहुत अटपटा बिज़नेस है क्या काम करते हो इलायची का काम करते हैं अच्छा. एंड कोई मैनुफेक्चरर है या फिर uh, कोई किराने का स्टोर है जिसका चीके. तो अगर उसको कॉन्टेंट क्रिएशन में उतरना है हुँ. इन अ वे एडवर्टाइजिंग करनी mm. है मार्केटिंग करनी mm. है ऑनलाइन मार्केटिंग वाया इंस्टाग्राम और यूट्यूब उ डू डू दैट लाइक ऐसे प्रोफेशन के एग्जाम्पल्स जिनकी कॉन्टेंट क्रिएशन बड़ी मुश्किल लगती है बट दो हैकिंग रेवेन्यू आउट ऑफ मेकिंग कार्ड ऑल्सो ठीक है करने वाले क्या कर गए mm -hmm. uh, एक बहुत ही ब्यूटिफुल पेज है लोकल नेशन के नाम से ah, है आई मीन लाइक उस पेज में बहुत सारे छोटे छोटे ऑन्टरप्रिनोर्स हैं जो दादी से कढ़ाई बुनाई सीख के उन्होंने एंड उन्होंने कढ़ाई बुढ़ाई सीखी स्कूल में रहते हुए और उससे क्रिएटिव जेंजी डिजाइन बनाए जैकेट बनाए एंड दे आर सेलिंग इट तो करने वाले तो कैसे भी कर गए बट ब्रेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रोफेशन या मैन्युफेक्चर या इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पे हमें लगता है कि ये क्या कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं उस पर आपका क्या कहना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट पे कंटेंट नहीं बन सकता आई वुड से इंडस्ट्री पे बना लो ना नाइस तो अगर आप इलायची की इंडस्ट्री में हो तो सिर्फ इलायची ही क्यों लेने वाले तो और भी चीजें लेते ना। आपके है, तो भी, हैं आपके पास सिर्फ इलायची है बट वो इंडस्ट्री में ट्रस्ट हो गया अरे बंदा बात सही करता है कभी इलायची के बारे में बोलता है तो ले ही लेगा कभी लॉन्ग के बारे में बोल रहा है अच्छा अभी बात बताओ ये चीजें कॉन्ट्रीब्यूट कहां करती है Hmm. चाय के ऊपर बातें करो दैट्स ब्यूटीफुल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और तो चाय के ऊपर आपने बात करना शुरू किया वहां से इलायची की बात है वहाँ से कुछ यू यू गेट वो चेन बन जाएगी बड़े आराम से यू कैन लिंक दैट तो ये एग्जांपल है आपने ऑडियंस इकट्ठा करनी है ठीक है hmm. अब उसके बाद आपका बिजनेस क्या है वो आप किसी वे ग्रिल में डाल दो बायो में डाल दो लोग देखेंगे सही ना कि जब आपकी विजिट करेंगे तो आप बता सकते हो जी मेरा नाम ये ये और मैं जो यहाँ पे ये भी दुकान है आपका कभी लगे आइएगा और बातें करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे आपको वीडियोज़ बनानी अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठ के बनाओ माँ भी बीच में बोलते हो तो मैं एक एक, एक यू नो जिम के कोच हैं काइंड kind ऑफ of, फिटनेस इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं ट्रेनर हैं नितेश सोनी राइट तो मैं उनको फॉलो करता हूँ बड़ी अच्छी बात बताते हैं देसी डाइट्स एंड ऑल ये वो सारी वो जिम के और वहीं पे अपने यू नो जिम में ही वही सारी वीडियोज़ वहीं पर बनाते हैं वो कभी जिम के बाहर कभी जिम के अंदर एंड ऑल तो उनका सेटअप है अब अगर वो इसकी जगह कहीं बाहर बैठ के डाइट की बातें कर रहे हो तो मैं सोचूंगा डाइटिशियन है वो जिम में बैठ के बात कर रहे हैं अगर सिर्फ डाइट की वीडियो देखी मैंने वो जिम में बैठ के तो मुझे क्या लगेगा ओ फिटनेस ट्रेनर ठीक है चलो इनके जिम ज्वाइन कर सकते हैं इनसे कुछ और फिटनेस की बात भी कर सकते हैं तो आपको सटल प्लग करने हैं कुछ अलग से इंतजाम ताम करने की जरूरत नहीं है जो आप हो जिस सेटअप में हो वहीं पर करो बस सिंपल hmm. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती आप कौन यार आज मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करता हूँ लेट्स और कुछ hmm. बढ़िया सी चीज है मेरे व्लॉग hmm. अगर अच्छे चल रहे हैं hmm. और मां कुछ बात कर रहा हूँ कि मेरा ये वाला hmm. भी बिजनेस है वो अपने आप प्रमोट होगा hmm. जैसे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी हाउ डू आई ऑथेंटिसिटी

आप सेम चीज़ें करते थे तो आप डीफेम होते थे exactly. कि वो भी ये कर रहा है वो भी ये कर रहा है वो भी ये कर रहा है और अब उल्टा हो गया है yeah. कि अब आप सेम कोरियोग्राफी कर रहे हो सबका सेम कोरियोग्राफी इतनी सारी रील सेम गाना सेम कोरियोग्राफी yeah. सेम स्टेप्स एंड यूर गेटिंग फेमस दिस इज द टाइम आई थिंक मैंने ना एक फ्रेंड के साथ बात करी थी बहुत बढ़िया सी बात बोली hmm. उसने बोला ये जो ट्रेंड है ठीक है ज़रूरी कि तुम्हें ऐसे ही बनाना है ट्विक कर दो ना राइट right? अभी एनिमल वाली वो चल रही है रील यू you नो know? एनिमल पापा वाला सीन पैरा नहीं हूँ मैं रणबीर कपूर बोलता है एंड ऑल वाला चल रहा है तो उसमें लोगों ने अपना फ्लेवर ऐड कर दिया उसमें क्या अभी तो, तो ये था कि चलो रणबीर डोमिनेट कर गया बोल के ना लेकिन उसके बाद क्या जैसे हमारे ऑफिस वालों ने रील बनाई मैनेजर मैनेजर और आर एम्प्लॉई तो एम्प्लॉई रणबीर कपूर बना उसने बोला कि आप मुझे छुट्टी नहीं देते ऐसे उसने बोल दिया बैरा नी हूँ मैं ये वो मैनेजर उठ के कहता है कल से मत आना तो आप अपना फ्लेवर ऐड करो दिमाग का गेम है यार कुछ भी अपने आप नहीं आएगा अपने आप आएगा तो इसी में रह जाओगे आपको बैठ के अगेन टेक इट एज बिजनेस वेंचर इसको नॉर्मल हॉबी वाइज में रील्स बना रहा हूँ एक पेज चला रहा हूँ वो लेके लोगे नहीं होगा उस पेज को एज अ वेंचर मानो

मेरे लिए तो इट्स अबाउट वाइब ओके ठीक है जेनजी लैंग्वेज ठीक है मतलब डॉक्यूमेंट में नहीं है तो क्या हुआ वैसे हम दिल से जेनजी हैं सो इट्स लाइक फॉर मी इट्स अबाउट वाइब एंड ऑबली स्किल्स एक ऑप्टिमम लेवल पर चाहिए हमें जितने हमारे लिए minimum requirement है किसी hmm. काम को करने के लिए hmm. तो hmm. वो होना चाहिए बट आईव रिजेक्टेड मैनी स्किल्ड पीपल ऑल्सो क्यों hmm. क्योंकि वो एटीट्यूड मुझे नहीं सही लग रहा था हमारे hmm. वो कल्चर के हिसाब से नहीं जम रहा था hmm. दिख रहा था कि अगर ये रहेगा तो ये hmm. खराब कर देगा कल्चर hmm. को और ये टिक hmm. भी नहीं पाएगा लंबे टाइम तक बिकॉज यू नीड पीपल जो आपके साथ लंबा जाए राइट तो वो दिख जाता है बातचीत करके पुन, उनके पास से उन्होंने पुरानी एक्ट किया all, right? अगर मुझे नहीं आ रही, उस वाले इंसान से और वो वाइब ऐसे नहीं होता कि मैं सोच रहा हूँ कुछ आ जाएगा ना इन सारी कम्युनिकेशन से ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या चलने वाला एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बात करके समझ लेता है पाँच मिनट कि आप कितने पानी में हो <laughs> हमारी उम्र में ये देख के पता चल जाता है <laughs> <laughs> जब भी मैं डायलॉग <laughs> जब भी मैं डायलॉग वंडरफुल राइट तो बस वैसे वाला गेम है यार hmm. कि अभी इतने इंटरव्यूज ले चुके हैं तो अब समझ में आ जाता है कौन कितने पानी में है कौन काम hmm. करेगा कौन नहीं करेगा सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज माइंडसेट इज मोर वैल्यूएबल देन स्किल सेट ऑलवेज

तो मैं जब आ, टीम बिल्ड कर रही थी तो मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन रही कि पहले की हायरिंग और पहले का वर्क कल्चर और पहले का जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप है हाँ। वो बहुत डिफरेंट था और अब बहुत डिफरेंट है जैसे मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी रहीं कि सबसे पहली चीज़ है कि अब आ, रिस्पेक्ट सबको चाहिए ठीक है पहले के जब आप आ, पुराने ज़माने में चले जाओ तो अगर रिस्पेक्ट नहीं भी मिल रही नहीं फॉर द सेक ऑफ़ मनी लोग काम करते yes. थे ठीक है अगर अब जेनजी को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी दे विल बी आउट तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं वो नहीं रहेगा आपके पास नंबर 2 मैंने देखा कि दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट ठीक हाँ। है वो वो डिप्लोमेटिक नहीं है ज्यादा पता है दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपको आकर बता देंगे क्या सही है क्या नहीं सही है और मुझे ऐसा लगता है पहले जब ऐसा होता था तो लोग नंबर वन डरते थे बताने से और बता भी देते थे तो जो दूसरा एम्प्लॉयर है मुझे मत बताओ दैट दैट एटीट्यूड प्रॉब्लम होती थी ओपन फीडबैक्स हाँ आई थिंक अगर हमें एक अच्छी टीम बनानी है तो नंबर वन पॉइंट ओपन टू टेक फीडबैक्स आप भी गलत हो, हो सकते हो आपने भी कोई काम गलत कर सकते हो तो आप उसको अगर सामने वाला आपको आकर बता रहा है तो उसे अपनी ईगो पे ना लेकर एक्सेप्ट कर लो है ना एंड तीसरा पॉइंट ये आता है कि वर्क कल्चर उनको एक अच्छा चाहिए hmm. पहले आपके ऑफिसिस में पेंट भी नहीं हुआ होता था बोरिंग होता था तब भी फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आप काम करते थे बट वी नीड टू बिल्ड ंग वर्क कल्चर फॉर आर टीम्स और आई थिंक वो बाहर से आपकी कंपनी को देखू आपका जो ह्यूमन ऑफ बिज गुरुकुल का पेज है hmm. उससे ऐसा लगता है यार ये क्या कंपनी है कितनी मज़ेदार है मेरा खुद का मन करता है आपका एम्प्लॉय बन जाने का जॉब पर्सन बट दैट दैट वर्क कल्चर मेक्स मी फील दैट आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस टीम तो वहाँ आपका क्या रोल प्ले रहा हुआ? कोई भी कल्चर ना आपकी वैल्यूज पे चलता है hmm. तो हमने सबसे पहले सिस्टम डिजाइन किया हम जो कल्चर बना रहे हैं वो किन वैल्यूज पे टिकेगा जिसमें है मतलब act two wow सबसे पहला है उसका Arise है इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल राइट इंटेग्रिटीज नहीं भी देख रहे बट आप काम कर रहे हो बिकॉज क्रिएट एन इम्पैक्ट राइट एज इज फॉर सर्विस माइंड सेट एंड इज फॉर एक्सीलेंस

पहले डिसाइड कर ले तो एंड अगेन इसमें भी हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉलो किया था hmm. हमने देखे हमारी पर्सनल क्या वैल्यूज है में तीनों बैठ गए मैं केशव सर तीनों को hmm. बैठ है ये मेरी वैल्यूज है, है, है तीनों ने लिख लिए अब हम yes. इसमें अपने अपने कौन कौन से उठाने वाले हैं जी ये उठा लिए hmm. फिर उसमें शॉर्टेज की आठ दस hmm. फिर उसमें कट करके यार ये पांच रखते हैं एंड उसके बेसिस पे कल्चर बना तो कल्चर ऐसे नहीं बन जाएगा कल्चर बनाना बन जाएगा नहीं बनेगा बातों बातों में आपने बोला था कि जेंजी नहीं हूँ मगर मिलेनियल मिलेनियल हो आप है ना सो यू आर अब थर्टी एज पता लग गई एग्जैक्ट yes. <laughs> exactly नहीं पता लगी सो आई मीन यू डोंट लुक लाइक थर्टी एट ऑल दैट इज़ वन पार्ट है का राज बताइए ग्रूमिंग प्लीज तो so, दो बातें जो मेन की अंडर है okay. मुझे ऐसे लगता है वन इज़ ग्रूमिंग दैट यू एंड वन इज आपने बातों बातों में बोला था कि मैं पेरेंट्स को नहीं बताता था आ, आ, अपनी चीजें मेंटल हेल्थ ये तो बात तय है कि लड़के नहीं बताते इन जनरल लड़कियां वोकल होती हैं और शायद मैं अपने पेरेंट्स को ना बताऊं बट बत अपनी आ, गर्ल गैंग को बता दूंगी बट बत मैंने लड़कों में भी ये नोटिस किया है कि बड़ के लड़के भी आपस में मजाक कर रोते हैं बट दे आर दे डोंट टॉक इमोशनल Emotional content नहीं नहीं शेयर करते, feelings नहीं। नहीं शेयर करते, हाँ। वो एक है। और ग्रूमिंग क्या टिप्स है मतलब ऐसा नहीं कि मैं फैशन की बात कर रही हूँ बट बेसिक ग्रूमिंग विच <laughs> <रोल्स नाओ। laughs> हाँ, तो कोर्स भी मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है जिसमें बारे में में, में मैंने बात करी है। सबसे पहली चीज है ना आपको ये होना चाहिए मुझे अच्छा दिखना है या मुझे अच्छा रहना है तो फॉर मी इट इज़ इट इज़ अबाउट सेल्फ लव राइट मुझे यह पता है कि बाकी सब चीज़ बाद में मुझे फिट रहना है ये मेरे लिए मुझे पसंद है मुझे बीमार रहना नहीं पसंद है ठीक है मुझे फिट रहना है मुझे अगर कोई हर कोई बीमार होता है मुझे भी हेल्थ इश्यूज हैं बट ठीक है बट मैं उस पर फोकस करता हूँ क्योंकि पहले हैं। बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ इस चीज़ में भुगत भोगी हूँ इसका कि गलतियाँ कर चुका हूँ हेल्थ को सेकंड प्रायर्टी पर रख के या मे बी शायद थर्ड फोर्थ प्रायरटी पर रख के तो इट इज़ इंपॉर्टेंट मेरे लिए मुझे अच्छा पहनना पसंद है मुझे अच्छा दिखना पसंद है हुँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है और हर किसी को होता है बस हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि यार ठीक है तो क्या हो गया मतलब ये तो दूसरों के लिए मैं कर रहा हूँ नहीं तुम अपने लिए कर रहे हो तुम अच्छा देख रहे हो खुद को जब भी कॉन्फिडेंस उससे बिल्डअप होता है अंदर से तो इसलिए ग्रूमिंग पे ध्यान दो यार मतलब अपने सूट पहनते ही आपका एटीट्यूड बदल जाता है बिल्कुल यार सूट से फर्क तो पड़ता है बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स एक्चुअली लोगों को ये भी लगता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है या मैं मे बी लुक्स वाइज इतना नहीं लगता बहुत खुद को हम अंडर एस्टिमेट करते दैट यार आपका कोई भी कलर हो आपके कोई भी फीचर्स हो डजेंट मैटर आप हर एक में अच्छे लग सकते हो आपका सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज करने से आपका पूरा अपीरेंस जो है वो चेंज होने लग जाता है तो खुद पे ध्यान दो यार छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ जैसे कि यार आप शर्ट पहन रहे हो

जिम जाओ ठीक <laughs> oh, है तो रोज नहा काम करो खुद की हेल्थ के ऊपर सेकंड थिंग जो मेंटल हेल्थ ऊपर तुमने बात करी ना मेंटल हेल्थ नहीं बट लड़के लड़के आपस तो में कम कम्यम्स टॉप हाँ तो टाइम बाकी है ना कोई भी इंसान तब बात करेगा जब सामने वाला एक ओपन होगा और उसको पता सबसे पहली ड्यूटी कोई हमें सुने Right. आप जरा सा कुछ बोलो सामने वाला ज्ञान देना शुरू कर देता है है ना इस वजह से ज्यादा तो लोग ओपन नहीं हो पाते दो डर से एक जज करेगा सबसे बड़ा डर ठीक है लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे मेरा दोस्त क्या कहेगा वो मुझे जज करेगा और फिर और दूसरा उसका रिएक्शन क्या होगा वो लौट के मुझे ज्ञान देगा जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे केवल बताना है हो सकता है मैं बता के हल्का फील करूं बट नहीं करते विद विद यू नो बॉयज बॉयज एंड आपस में इट्स विद बॉय टू गर्ल ऑल्सो तो क्योंकि हम अगर ये डर है कि हम यार नहीं मैं बोल सकता सब कुछ खुल के तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी नो कि लोग नहीं जब ओपन होंगे तो फिर इश्यूज़ उससे बढ़ेंगे तो इसलिए मैं खुद ये कोशिश करता हूँ कि जब सामने वाला है ना कुछ भी सजेशन देने से पहले उसको सुन लो एंड या फ्लेक्सिंग हेयर के लोग बोलते हैं कि आई लिसन वेल एम ए गुड लिसनर क्यों क्योंकि और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुनने में बहुत अच्छा हो या मैं सुन के उसको कुछ अच्छा बोल देता हूँ उसको पूरा सुनता हूँ मैं और बातें निकलवाता हूँ उसके अंदर से वी नीड लिसनर्स और प्रॉब्लम होती है जो आज आगे जो भी में रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी इशूज बनते हैं hmm. सबसे पहली चीजें सुना नहीं गया इंसान को और hmm. सुना गया तो इग्नोर कर दिया गया इग्नोर कर दिया गया या फिर अपना ज्ञान देने के लिए सुना गया hmm. मैं बताता मैं सोल्व करूंगा ना यार

इन टर्न सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ राइट right? तो मैं जाके एक एक्सपर्ट से ही बात करना पसंद करता हूँ राइट right? तो गो फॉर थेरेपीज रेखे कंसल्ट कंसल्ट एक्सपर्ट्स बिकॉज वो आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देंगे बट ये तो हुआ कि आपको क्या करना है बट एज अ पर्सन एज अ्यूमन आपको ये करना है कि बी अ गुड लिसनर सुनो सामने वाले को गुड ब्योर मॉम गुड बियोर सेस गुड ब्योर ब्रदर

या आई वॉज जस्ट अबाउट टू आज की हूँ यार ये मैजिक वैजिक की सारी mm -hmm. सेटअप है तुम mm -hmm. मैजिशियन हो मुझे मैजिक कब दिखाओगे ऑब्वियसली पॉडकास्ट के साथ हम mm -hmm. कुछ मैजिक करते हैं चलो करो लेट्स डू मुझे गैप तो नहीं करोगे नॉट एट ऑल ठीक है <laughs> 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 कर दिया तो आओ जनता का लॉस आगे का पॉडकास्ट नहीं मिलेगा देखने को लेट्स डू दिस डन All right, it's magic time, everybody. Hi, Rohit. Hi.

सी आपकी रेपुटेशन काफी अच्छी है वैसे अरे एब्सोल्युटली सी देखा इट्स ऑल राइट ये देखो रेपुटेशन <laughs> ये प्रूव Just करता है मैंने shopping. कितना जुआ खेला है आर यू डन या या

What I want you to do is right now, I want you to uh, think of a favorite company or a very big company, a famous company that comes to your mind. Obviously, don't think of this group. Nah, <laughs> don't, think of, not <laughs> <laughs> don't think of Don't think of It'll be company. a then for you. <laughs> <laughs> so, I want you to think of any company and I want you to lock a name in your mind. That, that name, the company yeah. name, right? company okay, name. That, 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 that. Lock it. Right. So, you're thinking of one name in your mind right yeah. now so imagine rohit ke agar tu ye name ko padh raha hai, from left to right okay run your mind through all the alphabets of that company okay you're doing that yeah uh, does this name have an a in it a? yes it does okay just hold on okay is this uh, a tech company yeah Okay, this tells me how you think. Oh man, this is shocking. I think shocking. I, I think uh, <laughs> I know what you're thinking. So already, I've written something down on this piece of paper. Okay. And this cannot be changed, as you can see. <clears> okay. <throat> so since I've already written something down, uh -huh. and I cannot change it, uh -huh. for the very first time, I want you to say what was the name that you're thinking. We shall I say it right now? Yeah, shall I say? Was it was Accenture. Accenture. Yeah. Okay. Cool. <clears throat> now, do you remember that uh, we actually you shuffled this yes, deck very, very thoroughly, mm -hmm. and there's no setup. Mm -hmm. So, I want you to take uh, first twenty percent of the deck and turn it down, okay, like how or essay? Mm -hmm. Yeah, just twenty percent uh, of the yes. deck. Yeah, this will look <clears throat> and? and turn it. Okay. Okay. Now, I want you to take fifty percent of the deck. Uh, yeah. Okay. This will suffice. Okay, and turn it down. Uh -huh. And I want to take 75% of the deck. 75 Okay. Chalo, hai, this is enough. And turn it down. Hai. And take the entire deck right now. And okay. turn it down. Okay. All right. So this way, you have created a complete chaos in the card. Yeah. Pehla ke create kia after shuffling it thoroughly. Right. And then we have created a Kios very creatively ठीके? without actually creating the kiosk on the table. Hmm. Right? So I want you to see the kiosk has been created. Or I want you pick this first face down card mm -hmm. and see it. Okay. Do you want to keep this or do you want to keep this to yourself? I'll keep it. I'll okay. Keep it. Yeah. okay. I know generally people don't trust yes. me. <laughs> <laughs> so uh, I want you to think of this card that you've selected what think of what this card I, yeah yeah okay done. The, i want you to think of the card that you selected okay. are you thinking of that card yeah i want you to think of the color of the card there are only two colors okay is this a red card yeah okay i want you to think of obviously the suit of the card i'm okay or accept of course you can <laughs> By all means. Okay. And I want you to now think of the value of the card. Mm hmm Okay. I think the card that you're thinking is uh, hearts. Okay. Okay. Right. Okay. And uh, now you're thinking of the value? Yeah. From one to nine. Mm-hmm. Okay. Cool. Rohit as now i've written so basically you were thinking of two things okay. one you were thinking of your favorite company or the company that comes to your mind yeah. and you were thinking of the selected card yeah since i've written both of them and I'm, there's no way i can change it now True. i want you to say it out loud what was the card that you were thinking of uh, ace of hearts ace of hearts okay everybody Rohit, uh, I want you to and read the pieces out loud. Oh damn! <laughs> what does it say? Ace of hearts. Ace of hearts. And, and the second <laughs> one was Accenture. My goodness! <laughs> you, can, you can probably... Okay, this is Accenture, man. This is unbelievable. Wow.

Back to the conversation. Yes. What do we say? Focus, focus. <laughs> <laughs> cool man, that was mind blowing. <laughs> nice. Wow. अभी तक दूसरों पे होते हुए देखा था एंड खुद पे नहीं देखा था एंड समाज थिंकिंग ये पहला ये आईवर्ज थिंक होपिंग ये गलत बोलेगी बड़ा मजा आता है बट इट वर्सूटली पॉडकास्ट है ना मजा आ रहा है ना बातें करनी है यू बिलोंग टू अजनेस नीच एंड कंटेंट क्रिएशन नीच तो अब ट्वेंटी में आपके पास एक करोड़ रुपए है और आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये सवाल उन सब के लिए है या आपके पास सब सपोजिटली पैसा नहीं भी है hmm. तो ऑब्वियसली बूट स्ट्रैप्ड है आपकी hmm. और जनरली लोगों का बूथ स्ट्रैप्ड ही होता है बट कंसिडरिंग द फैट आपके पास एक करोड़ रुपए hmm. हैं और आपको एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है नंबर वन क्वेश्चन कि वो कौन सी फील्ड होगी hmm. और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी ट्वेंटी में एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सो इट वुड बी वेस्ट मैनेजमेंट एंड या समिंग इन टू रिन्यबल एनर्जी सेक्टर ऑल्सो तो दोनों अलग अलग सेक्टर्स हो गए रिन्यूएबल एनर्जी या फिर वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर तो मेरे बहुत पहले से इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर तो so, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है अभी यू नो रिन्यूएबल सोर्स में आप कह लो या स्मार्ट एनर्जी सेक्टर में कह लो तो इथेनॉ ब्लेंडिंग के ऊपर जितनी सारी जो बातचीत चल रही है कि पेट्रोल में यू नो इथेनॉल मिलाएँ और फिर हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार्स हो गए भी नितिन गडकरी के यहाँ पे है भी तो ये सारी चीज़ें हो गई सो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है तो इसकी यू नो कुछ मैनुफैक्चरिंग की जा सकती है इसके अंदर वेंचर आउट किया जा सकता है किसी भी में, में। दूसरा जो मैंने बोला वेस्ट मैनेजमेंट का वो बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत नीड ऑफ द आर नीड ऑफ़ द आर और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यू नो जिसके ऊपर काम किया जा सकता है डबल बर्निंग पर आली जलाने वाली जो बात है उससे कितना कुछ बनाया जा सकता तो जब हमने पंख लॉन्च किया वो स्टार्टअप जो था तो उसके अंदर हमारे एक प्रोडक्ट था ये उसको बगास बोलते हैं बगास इज लाइक शुगर केन का जो छिलका होता है उससे बनता है अच्छा। राइट तो पराली से भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं जो इस टाइम पे चलाई दी जाती हैं इथेनॉल सबसे कॉमन है, तो सब है न, और भी बहुत सारी चीजें उनसे बन सकती हैं अगर मेरे पास है रिसोर्सेज है तो मैं डेफिनेटली इनमें से किसी एक के अंदर चला जाऊंगा प्रॉब्ली सबसे पहले आई स्टार्ट स्टार्टअप विद वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत है मतलब मेरे लिए भी नई बात थी बट ये बहुत ही स्मार्ट वे ऑफ डूइंग है कि ये रिक्वायर्ड भी है फॉर द नेशन आल्सो एंड इसका स्कोप भी आगे बहुत ज़्यादा है exactly. है ना वेर ऑलमोस्ट इन द एंड व्हाट्स द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव लाइक रोहित शर्मा आपका रोहित शर्मा वुड वॉन्ट टू गिव To the viewers and listeners. चल बहुत सारे ज्ञान तो दे ही दियास्ट में और एक्चुअली hmm. ये दिल से निकल के आती है that, people, hmm. इतना कुछ नॉलेज है इतना पोटेंशल है बैठे हुए हैं ज्ञान देने को बहुत कुछ है, कर नहीं है तो hmm. केजरीवाल याद आया तो करना तुम्हें सब में मन करता है कोई ज्ञान दे रहा होता है ना उसको कॉलर पकड़ो करना फिर कर क्यों नहीं तो इस पे काम जब तुझे सब hmm. कुछ पता है तो गो फॉर इट डू इट तो एक्शन ले hmm. दूसरा सिट विद योरसेल्फ ठीक है कुछ hmm. भी चल रहा है दिमाग में hmm. hmm. बैठ के ना hmm. सुनो खुद को बात करो खुद को कोई भी चैलेंज है कुछ ना कुछ वे आउट निकल ही जाएगा थिंग तो खुद के साथ वक्त बिताओ Hmm. दूसरा वंडरफुल पता uh, है uh, बहुत ही उम्दा गई कॉन्वर्सेशन और मेरा टेक अवे आपकी पर्सनालिटी आपके और से ये था कि माँ वाले एक्शन टेकर यू और वो बात अपने अपने आखिर में आके बोली दी मेरा टेक अवे यही था कि यार इस बंदे से अगर कुछ सीख रही हूँ मैं तो ये है कि सोचो मत कर दो आई थिंक योर जर्नी सम्स अप दैट एंड दैट सम्स अप दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्ज योर प्रायोरिटी दैट एक्सप्लेन योर कैरेक्टर एंड आई फील के योर वैल्यूएशन इज़ डिटमाइंड बाई हाउ मच वैल्यू यू क्रिएट in your personality also in your content also in your company also all you're doing is creating value which is the biggest takeaway for me and i think should be for the listeners so i had a wonderful conversation mazaya same here same here mm -hmm. thank you so much yaar mujhe on pata tha itna Haan. free flowing jayega aur <laughs> itne sare promo -moment <laughs> moments aa jayenge two so it was really nice and yes yeah. tumne bilkul sahi uh, valuation wali jo baat boli na hmm. ye mera motto hai ki आपकी वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाती है जब आप वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देते हो डोंट रन बिहाइंड वैल्यूएशन रन बिहाइंड वैल्यू क्रिएशन बाकी सब अपने आप हो जाएगा ये भी एग्जैक्टली exactly बचपन से सीखती आई हूं मैं hmm. पापा से भाई से वैल्यू क्रिएशन एंड आल्सो ओवर डिलीवर ट्रू अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी ऑलवेज ये तो फिर कन्वर्सेशन बढ़ जाएगी ब्रो ब्रो <laughs> <Pro. laughs> बहुत मजा आया सेम ए सेम थैंक यू सो मच अगर आप ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुन रहे हैं तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैसे बातें तो हमने बिजनेस की स्टार्ट करी थी बट बात करते करते हम थोड़ी कंटेंट क्रिएशन पे पहुँच गए दिस वाज द मोस्ट फ्री फ्लोइंग एंड नेचुरल कॉन्वर्सेशन आई हैड बड़ा मजा आया बट मैं उम्मीद करती हूँ कि रोहित ने जो आपको वैल्यू बॉम्बस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप हॉट स्केल्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वो आपके काम आए एंड uh, मुझे ये भी जानना है दैट आई यू रियली एन्जॉइंग द मैजिक सेगमेंट इन आर पॉडकास्ट प्लीज़ गिव मी ऑल योर रिएक्शंस बिकॉज आई एम रियली होपफुल कि आपको मैजिक कैसा पसंद आ रहा है और आप और कैसा किस्म का मैजिक मुझे देखना पसंद करेंगे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताइए दैट वॉट डू यू वॉन्ट टू सी इन मैजिक सेगमेंट ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आर न्यू चैनल कॉल फोकस फोकस शॉर्ट्स एंड मैं जितना भी थैंक यू कहूँ वो कम है बट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग फोकस फोकस विद आंचल एंड आर न्यू चैनल एंड दिस न्यू कंसेप्ट आई रियोली रियोली नीड योर सपोर्ट एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड आई एल सी यू अगेन विद मोर मैजिकल एपिसोडस ऑन एवरी थर्सडे सेवन पी एम